नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि कोरोना के संक्रमण काल में बिहार की राजनीति परवान चढ़ रही है और इस बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है कि लालू यादव को कोरोना बता दिया है JDU ने। जी हाँ, लालू यादव बिहार के एक बड़े नेता हैं, चारा घोटाले में सजा याफ्ता हैं, रांची बिरसा मुंडा जेल के कैदी हैं और रांची रिम्स अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। ये सच है कि जिस अस्पताल में लालू यादव को रखा गया है वहाँ कोरोना का संक्रमण का खतरा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लालू यादव की उम्र 75 साल के पार है और वहाँ पर कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं, यहाँ तक कि डॉक्टर भी संक्रमित पाए गए हैं। तो लालू यादव का परिवार लगातार मांग करता रहा है कि लालू यादव को पे रोल पर छोड़ देना चाहिए, घर में रहकर इलाज कराने की छूट देनी चाहिए। और वैसे भी कोर्ट का आदेश है कि जो भी ज़्यादा उम्रदराज कैदी हैं जिनको कोरोना के संक्रमण का खतरा है उनको पे रोल पर छोड़ा जा सकता है, लेकिन लालू यादव को आज तक तो छोड़ा नहीं गया। झारखंड में उनकी ही सरकार है, हेमंत और सोरेन और कांग्रेस की सरकार है जिसमें RJD भी शामिल है। उम्मीद की जा रही थी कि लालू यादव चुनाव से पहले बाहर आ जाएंगे, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। इस बीच JDU ने लालू यादव पर बड़ा हमला किया है। आपको पता ही है कि लालू यादव भले रांची रिम्स में इलाज करवा रहे हैं लेकिन चुनाव में काफ़ी सक्रिय हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर वो लगातार नरेंद्र मोदी पर, नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं, रोज ट्वीट कर रहे हैं, ट्वीट के जरिए सत्ता पक्ष का पसीना छुड़ाए हुए हैं। और सत्ता पक्ष ने जवाबी हमला किया है, बिहार सरकार के मंत्री सूचना जनसंपर्क विभाग नीरज कुमार ने हमला किया है और उन्होंने कहा है कि लालू यादव भ्रष्टाचार रूपी कोरोना वायरस हैं। लालू यादव को कोरोना वायरस बता दिया है, वो भी भ्रष्टाचार का कोरोना वायरस। भ्रष्टाचार रूपी कोरोना वायरस का संक्रमण ना फैले इसकी वजह से कानून रूपी डॉक्टर ने इन्हें पकड़कर फुटवार में बंद कर दिया है, नीरज ने ट्वीट किया है। जी हाँ, बिहार में कोरोना का राजनीतिक इस्तेमाल अब शुरू हो गया है। कोरोना से नेताओं को जोड़ा जा रहा है, कोरोना का नाम नेताओं को दिया जा रहा है। खासकर IPRD के जो मंत्री हैं नीरज कुमार, शुरू से ही हमलावर रहे हैं, विपक्ष के हर हमले का जवाब वही देते रहे हैं। लालू यादव जिस तरह से ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं ट्वीट के जरिए और नीतीश सरकार का नामकरण कर रहे हैं, उससे नाराज बिहार सरकार के सूचना जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने हमला बोला है और लालू यादव को कोरोना वायरस करार दे दिया है। तो राजनीति अब बिहार की गरमाएगी। अब देखना यह है कि RJD की तरफ से क्या जवाब आता है। नीरज कुमार ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने क्या लिखा है जरा आप देख लीजिए। नीरज ने लिखा है कि लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचार रूपी कोरोना वायरस हैं। इन्होंने प्रदेश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्था को भंग कर रखा था। कानून रूपी डॉक्टर ने इन्हें पकड़कर होटवार के जेल में बंद कर दिया है ताकि इसका संक्रमण न फैले। ख्याल रहे, सुशासन के वैक्सीन का इजाद हो चुका है, ऐसे वैक्सीन का दर्द उन्हें पता है। यानी नीतीश कुमार का जो शासन है वो सुशासन है, वही वैक्सीन है लालू रूपी कोरोना वायरस का, ये कह रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री। उन्होंने आगे लिखा है कि प्रदेश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्था को पंगु कर रखा था। कानून रूपी डॉक्टर ने इन्हें पकड़ा, फुटवार में बंद कर दिया ताकि इनका संक्रमण न फैले। तो ये जो ट्वीट है नीरज कुमार का काफ़ी वायरल है सोशल मीडिया में और लोग कमेंट भी कर रहे हैं। लालू के समर्थक खूब हमला कर रहे हैं नीरज कुमार पर और जो लालू के विरोधी हैं नीरज कुमार की खूब तारीफ कर रहे हैं। आपको पता ही है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के द्वारा लगातार एक दूसरे पर हमला करने का सिलसिला जारी है। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है ये हमला और तेज होता जा रहा है। लालू यादव ने 18 नाम दिए थे नीतीश सरकार के, कुशासन, राक्षसी राज, रावण राज, दुशासन राज, और अब नीरज कुमार ने लालू यादव को ही कोरोना वायरस करार दे दिया है। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि पता चले कि बिहार की राजनीति कहाँ जा रही है, किस तरफ जा रही है। ये राजनीति नीति के राज की स्थापना के लिए है या राज प्राप्त करने की नीति की राजनीति है। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, इसे आगे भी बनाए रखिएगा।